फिल्म की शुरुआत बूथ्स में खरहा एंटोनियो बंदारिस से होती है, जो एक शूटिंग स्टार की कहानी कह रहा है जो आसमान से गिर गया और कहीं अज्ञात में उतर गया। कीवदंती कहती है कि तारे के भीतर एक ही इच्छा है जो इसे देने के योग्य किसी की प्रतीक्षा कर रही है। पुस एक जीवित कीवदंती के रूप में अपने समय का आनंद ले रहा है, डेलमार के गवर्नर के घर में एक पार्टी दे रहा है और एक महान नायक के बारे में एक गीत गा रहा है। जब गवर्नर आता है तो पुस इसके लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो गवर्नर और उसके गार्डों को चालाकी और चतुरता से बाहर न निकाल दे, कुछ आतिशबाजी करने के बाद पुस डेलमार के स्लीपिंग जॉइंट को जगाता है। वो एक आंख वाले विशाल के साथ एक महाकाव्य लड़ाई में संलग्न है, क्योंकि यह शहर को नष्ट करने का प्रयास करता है। पुस अपने स्मार्ट का उपयोग विशाल के सींगों के चारों ओर एक घंटी लपेटने के लिए करता है और इसका उपयोग जानवर को बेहोश करने के लिए करता है। जिस तरह पूस और शहरवासी उसकी जीत का जश्न मनाते हैं, घंटी गिर जाती है और पूस को कुचल देती है। शहर के डॉक्टर एंथनी मेंडेस के कार्यालय में खरहा उठता है। वो पूस को सूचित करता है कि घंटी ने उसे मार डाला, लेकिन पूस को परवाह नहीं है क्योंकि बिल्लियों के 9 जीवन हैं। हालांकि डॉक्टर पूस को अन्य सभी समयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक बुलफाइट में, एक खराब पोकर गेम में, एक किनारे से गिरना, कुकीज बनाते समय जल जाना, जिंगी द जिंजरब्रेड मैन से एक त्वरित उपस्थिति के साथ एक तोप से लॉन्च किया गया, एक बड़े वजन से कुचला गया और शंख के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया। इसका मतलब है कि पूस अपने पिछले जीवन के लिए नीचे है। डॉक्टर सुझाव देते हैं कि पूस अपने साहसिक जीवन से सेवानिवृत्त हो जाए, लेकिन बिल्ली को विश्वास है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। पब में बैठने के दौरान पूस की मुलाकात रहस्यमय बिग बैड वुल्फ वैगना मोरा से होती है। वो दो दराती लहराता है, लेकिन पस अपनी तलवार खींचने में तेज है, केवल उतनी ही जल्दी निहत्थे होने के लिए। भेड़िया पूस के सबसे चुनौतीपूर्ण दुश्मनों में से एक साबित होता है, क्योंकि वो तेज है और अपनी दराती से पूस को काटने में कामयाब हो जाता है। पूस भाग जाता है और महसूस करता है कि वो भेड़िये से डरता है और उसके पास अच्छे के लिए अपने जूते लटकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर के सुझाव के बाद मामा लूना डेविन जॉय रैंडोल्फ नाम की एक बिल्ली महिला द्वारा पूस को लिया जाता है। सबसे पहले वो अपने जूते, टोपी और केप को दफनाता है, जैसे कि वो खुद अच्छे के लिए मर गया हो, और फिर मामा लूना की अन्य बिल्लियों से जुड़ जाता है जो उस पर दया नहीं करती हैं। पस अपने अब घरेलू जीवन में दयनीय हो जाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात एक बिल्ली हार्वे गुइलेन के रूप में प्रस्तुत एक छोटे कुत्ते से होती है। पुस अज्ञात कुत्ते को पैरेटो के रूप में संदर्भित करता है। गोल्डी लॉक्स फ्लोरेंस पुग और तीन भालू पापा रे विंस्टन, मामा ओलिविया कॉलमैन और बेबी सैमसन कायो मामा लूना के घर के करीब अपना रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वे भरपूर शिकारी हैं, एक रहस्य के लिए पुस की तलाश कर रहे हैं काम। वे मामा लूना के पास पहुंचते हैं और यह जानने की मांग करते हैं कि पुस कहाँ है। बेबी पुस उठाता है, लेकिन चूंकि उसकी दाढ़ी बढ़ गई है और उसके पास उसके कपड़े नहीं है, इसलिए गोल्डी उसे पहचान नहीं पाता है। वे उसकी कब्र पाते हैं और एक वैकल्पिक योजना के साथ अपने मिशन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं। पुस ने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना कि विशिंग स्टार के लिए एक नक्शा चुराने के लिए उन्हें कैसे उसकी जरूरत थी, और नक्शा बिग जैक हॉर्नर जॉन मुलेनी के हाथों में है। पुस अपनी वीरता पर लौटने का फैसला करता है और खुद नक्शे के पीछे जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो अपनी इच्छा का उपयोग अपने अन्य जन्मों के लिए कर सकता है। पुस बिग जैक के परिसर में घुस जाता है, लेकिन उसका पीछा पैरेटो करता है, जो सोचता है कि वो पुस की मदद कर सकता है। जैक अन्य परियों की कहानियों सिंड्रेला का ग्लास स्लिपर, जहर सेब, एलिस इन वंडरलैंड से बढ़ती कुकी आदि से विभिन्न जादुई कलाकृतियों का संग्रह करता है, और वो विशिंग स्टार को खोजने के लिए मानचित्र का उपयोग करने की उम्मीद करता है, ताकि वो सभी जादू कर सके दुनिया में। खरहा नक्शे के लिए एक हड़पने बनाता है, लेकिन उसकी पूर्व लॉ किटी सॉफ्ट पॉज सलमा हाइक द्वारा बाधित किया जाता है। नक्शे के लिए दोनों लड़ते हैं, जैसा कि किट्टी को पहले गोल्डी और भालू द्वारा नौकरी के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन वह वैसे भी उन्हें डबल क्रॉस करने जा रही थी, और वो हाल ही में हुए विश्वासघात के लिए पुस से भी नाराज है। जैक उन्हें देखता है और उनके पीछे जाता है, लेकिन पुस और किट्टी पैरेटो द्वारा चलाई जा रही एक गाड़ी पर कूदते हैं, ताकि उन्हें जैक के गुंडों से दूर किया जा सके। जैक फिर नक्शा वापस पाने के लिए आवश्यक जादुई कलाकृतियों के साथ अपने बेकर के दर्जनों गुर्गे इकट्ठा करता है। जिस तरह नायक दूर हो जाते हैं जब वो भेड़िये को परछाई में देखता है, तो पुस भयभीत हो जाता है। खरहा किटी और पैरेटो दौड़ना बंद कर देते हैं और एक पोर्टल के माध्यम से डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करके स्टार की अपनी यात्रा जारी रखते हैं।
वे पाते हैं कि नक्शा किसके हाथ में है, इस पर निर्भर करते हुए पर्यावरण को बदल सकता है। जब पूस और किट्टी इसे पकड़ लेते हैं तो उनका रास्ता अंधेरा और खतरनाक होना तय है, लेकिन जब पैरेटो इसे पकड़ता है तो उसकी अंतहीन आशावाद के कारण रास्ता एक खुशहाल इंद्रधनुषी भूमि में बदल जाता है। बिल्लियां उसे नक्शा रखने देने का फैसला करती हैं। फिर उन्होंने गोल्डी और भालुओं को नीचे गिरते हुए देखा, जिससे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी यात्रा पर तिकड़ी को पॉकेटफुल ऑफ पॉजीज से गुजरना पड़ता है, विशाल फूलों का एक क्षेत्र जो पुस और किट्टी पर हमला करता है, लेकिन पैरेटो फूलों को सूंघकर उन्हें प्यार करता है। जैसा कि वो कहते हैं, बिल्लियों को गुलाबों को रोकना और सूंघना पड़ता है। गोल्डी और भालू, साथ ही जैक और उसके गुर्गे भी पोजीज में आते हैं, लेकिन उनकी किस्मत कम होती है और जैक के कुछ आदमी खा जाते हैं या सीधे मारे जाते हैं, जबकि गोल्डी और भालू अपने तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। मुख्य तिकड़ी चलती रहती है, जिसमें पैरेटो पुस और किट्टी को अपनी पिछली कहानी बता रहा है। उसका मूल परिवार नियमित रूप से उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह हालांकि वे सिर्फ मजाक थे और वह वापस आता रहा, इसलिए वे आखिरकार उससे छुटकारा पाने में कामयाब रहे। उसे एक पत्थर के साथ एक जुराब में नदी में फेंकने से अच्छा है। जबकि पुस और किट्टी, उसकी कहानी कितनी दुखद है, इससे मर जाते हैं। पैरेटो हर चीज में उम्मीद की किरण देखता है। वो समूह से दूर और एक चमकीले रंग के जंगल में भटकते हुए समाप्त होता है, जहां जैक और उसके गुंडे इंतजार कर रहे हैं और पैरेटो को पकड़ लेते हैं। गोल्डी और भालुओं के दिखाई देने के बाद एक और लड़ाई छिड़ जाती है और जैक के गुंडे फिर से मारे जाते हैं जब वह उन्हें गेंडा सींगों से मारता है, जो उन्हें कन्फेदी में फोड़ देते हैं। संघर्ष के दौरान गोल्डी और भालू तिकड़ी से नक्शा ले लेते हैं। जैक एक बात करने वाले क्रिकेट, आप जानते हैं कि कौन से मिलता है, जो जैक में अच्छाई खोजने और उसकी अंतरात्मा बनने की कोशिश करता है। ये काम नहीं करता है। जैसे ही पर्यावरण एक गहरे और डरावने जंगल में बदल जाता है, पस दौड़ना समाप्त कर देता है, जहां उसे डर होता है कि भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। पैरेटो पूस को ढूंढता है और उसे आराम देने की कोशिश करता है। वो पैरेटो के सामने कबूल करता है कि उसे अपनी जान बचाने की इच्छा की जरूरत है। पुस पैरेटो को ये भी समझाता है कि उसने ऐसा क्या किया जिससे किट्टी उससे नाराज हो गई। उसने उसे अपनी शादी के दिन वेदी पर छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके साहसिक जीवन में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। किट्टी सुनती है कि पुस ने उसे चोट पहुंचाने के लिए खेद व्यक्त किया है और वह उसे वापस लाने में मदद करने का फैसला करती है। जब गोल्डी नक्शा खोलता है तो वह और भालुओं को उनकी पुरानी झोपड़ी में ले जाया जाता है, जहां उन्होंने पहली बार गोल्डी को देखा था जब वह अंदर घुसी थी। एक अनाथ होने के नाते गोल्डी का कोई वास्तविक परिवार नहीं था, जब तक कि भालू उसे अंदर नहीं ले गए। वे उसे लेने के लिए तैयार हैं, खुद की इच्छा। इस बीच तिकड़ी झोपड़ी में घुस जाती है। जब तक कि वे फिर से नहीं मिल जाते, तब तक पुस नक्शे को वापस स्वाइप करने का प्रबंधन करता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, गोल्डी पैरेटो को एक बंधक के रूप में पकड़ लेता है, जबकि पर्यावरण लगातार बदलता रहता है। खरहा नक्शा पकड़ लेता है और यह उसे एक विशाल क्रिस्टल गुफा के अंदर फंसा देता है। वो किट्टी को नक्शा दिखाता है ताकि वो पैरेटो को ट्रैक कर सके, जबकि पुस कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता है। पैरेटो गोल्डी के रूप में बैठता है और बेबी बहस करता है और अपमान का आदान प्रदान करता है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उनके पास एक आदर्श परिवार है जो वह चाहता है कि वह हमेशा रहे। जैसे ही भालू पैरेटो को पसंद करना शुरू करते हैं, किट्टी पैरेटो को स्वाइप करने और दूर जाने का प्रबंधन करती है। गोल्डी और भालू अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए खो जाते हैं, जिससे एक तर्क होता है जहां गोल्डी कहती है कि उसकी इच्छा एक वास्तविक परिवार की तरह है, जैसे कि एक इंसान। इससे भालुओं का दिल टूट जाता है, लेकिन मामा गोल्डी को उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करने का वादा करते हैं, अगर इससे उसे खुशी मिलती है। जैक अपने बचे हुए गुर्गे को अगले पड़ाव के लिए एक मानव पुल के रूप में उपयोग करता है। जब वो गाड़ी को पार करने की कोशिश करता है तो उनमें से एक की मौत हो जाती है। क्रिकेट को पता चलता है कि जैक एक भयानक व्यक्ति है, जैसे वो जैक के कंधे से उतर जाता है। गुफा में पुस अपने मूल आर्ट जीवन से बात करता है, जो सभी आत्मसंतुष्ट झटके की तरह आते हैं। उसे पता चलता है कि वह किटी और पैरेटो के साथ अपने वर्तमान जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन वुल्फ के आने से उसका ज्ञान बाधित होता है। वह पुस से कहता है कि वह अपनी पिछली मौतों के लिए वहां गया है और वह स्वयं मृत्यु है, पुस की आत्मा को लेने के लिए आओ। खरहा एक बार फिर डर के मारे भाग जाता है। खरहा स्टार के स्थान पर पहुंच जाता है और वह इच्छा पूरी करने के लिए मंत्र, काश मैं कर सकता हूँ, काश मैं कर सकता हूँ, बोलना शुरू कर देता है। किट्टी और पैरेटो दिखाई देते हैं,
किट्टी सोचती है कि इच्छा साझा करने पर चर्चा करने के बाद पुस उसे फिर से धोखा दे रहा है। पुस ये समझाने की कोशिश करता है कि मौत उसके लिए आ रही है, जैसे गोल्डी और भालू और जैक और उसके गुर्गे दिखाई देते हैं। नक्शे के लिए उनकी लड़ाई और संघर्ष में स्टार जमीन से ऊपर उठना शुरू कर देता है और एक ऐसा बल क्षेत्र बनाता है जो लोगों को थूक देता है। गुर्गे को चूसा जाता है और बेबी को भी लगभग खींच लिया जाता है, लेकिन गोल्डी ने बेबी को बचाने के लिए अपनी इच्छा पूरी करने का मौका त्याग दिया, क्योंकि उसे पता चलता है कि भालू उसका सच्चा परिवार है। किट्टी पैरेटो को बचाने के लिए जैक को उसके अथाह बैग में गिरा देती है। भेड़िया फिर लौटता है और पूस को आग के घेरे में फंसा लेता है। वह मौत के डर पर पूस को ताना मारता है और वह मौत को धोखा देने की अपनी इच्छा का उपयोग करने के लिए काय का रास्ता निकालेगा। किट्टी और पैरेटो के साथ बिताए गए समय को देखते हुए वह फैसला करता है कि वह अपने आखिरी जीवन की गणना करेगा, इसलिए वह अपनी तलवार उठाता है और भेड़िये के साथ युगल करता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद पसवुल्फ को निर्वस्त करने में सफल हो जाता है। वह क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह पुस को मौत से बेखौफ एक दुष्ट नायक के रूप में लेने की उम्मीद कर रहा था, जो अब वह है, लेकिन वह तय करता है कि उसके लिए पुस को फिर से देखने का एक और समय आएगा। भेड़िया चला जाता है, लेकिन बढ़ती कुकी खाने के बाद जैक अपने बैग से बाहर निकलता है। वह नक्शा पकड़ लेता है और कोशिश करना शुरू कर देता है और अपनी इच्छा पूरी करने लगता है, लेकिन पैरेटो प्यारी पिल्ला आंखों का उपयोग करके उसे विचलित करने का प्रयास करता है, जब किट्टी ने उसे दिखाया कि ये कैसे करना है। ये जैक पर काम नहीं करता है क्योंकि वह एक ऐसा झटका है, लेकिन ये केवल गोल्डी के लिए पुस और किट्टी को जैक की ओर फेंकने के लिए समय खरीदने के लिए था, जबकि भालू लड़ाई में शामिल हो गए। खरहा किट्टी और गोल्डी नक्शे को फाड़ देते हैं, जिससे तारा टूट जाता है। जैक नक्शे को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक गायब है जो कि क्रिकेट के हाथों में है, जो इसे जलाने के लिए जैक की फीनिक्स का उपयोग करता है और नक्शे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आकाश में वापस शूटिंग करने और विस्फोट करने से पहले स्टार पूरी तरह से टूट जाता है और जैक को अवशोषित कर लेता है। गोल्डी और भालू पुस और उसके दोस्तों से अलग हो जाते हैं। पैरेटो अपने नाम के साथ रहने का फैसला करता है, क्योंकि वह पुस और किट्टी को अपना नया परिवार कहकर खुश है। वे एक साथ बैठते हैं और सितारों को देखते हैं। कुछ दिनों बाद गवर्नर छुट्टी पर जाने का प्रयास कर रहा है, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी नाव चोरी हो गई है और वह जानता है कि ये किसने किया। पुस, किट्टी और पैरेटो नए रोमांच के लिए रवाना हुए और जैसा कि पुस कहते हैं, पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। इसके बाद कैमरा फार फॉर अवे के राज्य में जाता है, संभवतः इसलिए कि पुस एक निश्चित औसत हरे नरभक्षी से मिल सकता है। जूते में प्रसिद्ध खरहा अपने कई कारनामों पर अपने 9 में से 8 जीवन खो चुका है और एक बार निडर बिल्ली अपनी धुन बदल देती है, जब वो अपने सबसे घातक विरोधी बिग बैड वुल्फ, जो मृत्यु का अवतार है, का सामना करती है। पुस को घर की बिल्ली के रूप में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब इनाम के शिकारी गोल्डीलॉक्स और 3 भालुओं ने उसे चोरी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे वापस कार्रवाई में मजबूर होना पड़ा। वे बिग जैक हॉनर से एक नक्शा चुराना चाहते हैं, क्योंकि यह उन्हें एक विशिंग स्टार की ओर ले जाएगा जो मानचित्र धारक को एक इच्छा प्रदान कर सकता है, जो पुस को लगता है कि उसे अपने खोए हुए जीवन को वापस पाने और मौत को धोखा देने में मदद कर सकता है। अपनी यात्रा पर पुस के साथ एक अकेला लेकिन हंसमुख कुत्ता जुड़ जाता है, जिसे वह पैरेटो कहता है। साथ ही पुस की पुरानी लॉ किटी सॉफ्टपॉज, जो अपनी शादी के दिन वेदी पर उसे छोड़ने के लिए पुस से नाराज है। गोल्डी एक वास्तविक मानव परिवार खोजने की इच्छा का उपयोग करना चाहता है, भले ही भालुओं ने उसे अपने में से एक बना लिया हो। जैक इसका इस्तेमाल दुनिया में सभी जादू करने के लिए करना चाहता है। स्टार की खोज में कई लड़ाइयों के बाद उसको पता चलता है कि उसने किट्टी और पैरेटो के साथ जो समय बिताया है, वो उसे अपने पिछले जीवन की सराहना कर रहा है। जब स्टार आखिरकार मिल जाता है तो अपनी इच्छा को छोड़ने का फैसला करने के बाद भेड़िये के खिलाफ पुस का सामना होता है। भेड़िया फैसला करता है कि ये पुस के मरने का समय नहीं है और उसे छोड़ देता है, जबकि जैक एक जादुई कुकी खाता है जो उसे विशाल बना देता है और उसे नक्शा लेने देता है। गोल्डी और भालू जैक से लड़ने के लिए पुस और उसके दोस्तों के साथ मिलकर नक्शा फाड़ देते हैं, जिससे तारा टूट जाता है और जैक के अंदर आकाश में उड़ जाता है, जहां ये फट जाता है। गोल्डी भालू को अपने असली परिवार के रूप में स्वीकार करता है, जबकि पुस और किटी पैरेटो को अपना परिवार मानते हैं। तीनों एक जहाज चुराते हैं और नए कारनामों के लिए रवाना होते हैं। उनका पहला पड़ाव फार फार अवे का राज्य होता है, ताकि पुस श्रेक को फिर से देख सके। थैंक
Thanks for watching. Please like, share, and subscribe our channel, Token of Love.